जागरण जोश अब सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए 31 अगस्त से 2 सितंबर 2016 के मध्य घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 7 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर टॉसन का निधन। रेल मंत्रालय द्वारा ई टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ। प्रख्यात कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन। गुजरात सरकार ने छोटे एयरपोर्ट विकसित करने हेतु AAI एवं केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। TVSN प्रसाद समिति ने पैलेट गन के उपयोग पर रिपोर्ट सौंपी। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने Amazon.com के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु समझौता किया। कॉटनी वॉल्श बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच नियुक्त। करंट अफेयर्स विस्तार से। नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर टॉसन का निधन। ये फ्लोरोसेंट मार्कर कैंसर कोशिकाओं एवं अल्जाइमर रोग के शोध कार्य हेतु प्रसिद्ध थे। वे टॉसन विश्वविद्यालय के सैनडियागो स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर थे। उन्हें वर्ष 2008 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रेल मंत्रालय द्वारा ई टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बीमा योजना आरंभ। यह बीमा रेल यात्रा के दौरान दुर्घटना, आतंकवादी हमला, डकैती, दंगा, गोलीबारी अथवा आगजनी आदि होने पर प्रदान की जाएगी। यह सुविधा उन यात्रियों के लिए आरक्षित है जो ई टिकट की बुकिंग करते हैं। इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़ सभी यात्रियों को शामिल किया गया है। प्रख्यात कवि कश्मीरी लाल जाकिर का निधन। कश्मीरी लाल जाकिर का 97 वर्ष की अवस्था में 31 अगस्त 2016 को चंडीगढ़ में निधन हो गया। जाकिर हरियाणा उर्दू अकादमी के चेयरमैन भी थे। साहित्य के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुजरात सरकार ने छोटे एयरपोर्ट विकसित करने हेतु AAI एवं केंद्र सरकार के साथ समझौता किया। इसके तहत गुजरात सरकार ने भारतीय विमान प्राधिकरण यानी AAI एवं केंद्र सरकार के साथ 1 सितंबर 2016 को एक त्रिपक्षीय समझौता यानी MOU किया। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत 11 छोटे एयरपोर्ट विकसित करना है। इस MOU के तहत 11 हवाई पट्टी विकसित की जाएंगी ताकि राज्य यात्रियों को आसान आवागमन प्रदान कर सकें। TVSN प्रसाद समिति ने पैलेट गन के उपयोग पर रिपोर्ट सौंपी। TVSN प्रसाद समिति ने पैलेट गन के प्रयोग पर गृह सचिव राजीव महर्षि को 30 अगस्त 2016 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार यह समिति कश्मीर घाटी में पैलेट गन के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं है। इस समिति का गठन पैलेट गन के विकल्प तलाशने के लिए किया गया था। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने Amazon.com के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु समझौता किया। इसके तहत LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंक ने 2 सितंबर 2016 को Amazon.com के साथ स्मार्ट होम सर्विसेज हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से Amazon द्वारा संचालित Alexa वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों पर काम कर सकेगी। Alexa अपने स्मार्ट थिंक क्यू हब के साथ घरेलू उपकरणों के निर्माण में सहायता प्रदान करेगी। कॉटनी वॉल्श बांग्लादेश के गेंदबाजी कोच नियुक्त। वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान कॉटनी वॉल्श को 1 सितंबर 2016 को हीट स्ट्रीक की जगह बांग्लादेश का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया। वे 2019 विश्व कप तक टीम के गेंदबाजी कोच रहेंगे। स्ट्रीक पिछले 2 साल से बांग्लादेशी टीम के कोच की भूमिका निभा रहे थे। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।